आज आपके सामने जेनेवा प्रोटोकॉल जो कि कहा जा सकता है कि यूरोपियन हिस्ट्री में एक वाइडेंस टॉपिक माना जाता है हिस्ट्री का। आज जेनेवा प्रोटोकॉल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इंटरनेशनल सिनेरियो में नए प्रोविजंस को सामने लाता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या हो सकती है और लिमिटेशंस क्या थे और किन चीज़ों के बारे में ये प्रोटोकॉल टर्म्स एंड कंडीशंस को बनाता नज़र आ रहा है। हैव स्टार्ट जेनेवा प्रोटोकॉल। जेनेवा सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, जेनेवा इज अ नेम ऑफ अ प्लेस समवेयर इन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में एक जगह का नाम है। प्रोटोकॉल कहने का मतलब है दोस्तों, डिप्लोमेटिक तरीके से, डिप्लोमेटिक वे को फॉलो करते हुए किसी भी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाना या उस पर अमल करना या फिर चलना, प्रोटोकॉल, राइट। सो किस टाइप की प्रोटोकॉल को जेनेवा में किन कंट्रीज ने मिलकर स्टार्ट किया था, सो दैट एक नया सिनेरियो क्रिएट किया जा सके, तो उन चीजों के बारे में देखेंगे। सो इन नंबर वन वी कैन से दैट इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन, इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द आइडियल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी, द आइडियल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी, राइट, द डेलीगेट्स ऑफ ग्रीस। अब एक बात यहां पर चौंका देने वाली बात है कि वर्ल्ड वॉर के बाद, जैसे कि पता है हम लोगों को कि बड़े बड़े कंट्रीज उभर कर सामने आए, जैसा कि कहा जा सकता है कि हालांकि यूएसए चुपचाप था, ज्यादा उसकी एक्टिविटीज नहीं देखी गई, रशिया उभर कर सामने आता है लेकिन फिर भी अपने आप को सेपरेट रखता है, अलूफ रखता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से, यूरोपियन पॉलिटिक्स से, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं फ्रांस, इंग्लैंड, बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया या फिर और भी बहुत सारे बड़े बड़े कंट्रीज थे जो अपने पावर को कहीं ना कहीं शो कर रहे थे कि हाँ वो लोग यूरोप के नक्शे में एग्जिस्ट करते हैं, उनकी पावर है। तो जो छोटे कंट्रीज जो थे जैसा कि ग्रीस एंड चेकोस्लोवाकिया, उनका यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है सबसे पहले, और यही रीजन होता है इनकी फेलियर का सबसे बड़ा, राइट। क्योंकि बड़ा कोई कंट्री नहीं था जो इस प्रोटोकॉल को लीड कर पाए या सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाए। सो द डेलीगेट्स ऑफ ग्रीस एंड चेकोस्लोवाकिया सबमिटेड अ डॉक्यूमेंट, सबमिटेड अ डॉक्यूमेंट इन द फिफ्थ सेशन ऑफ द लीग, इन द फिफ्थ सेशन ऑफ द लीग। लीग यहां पर कहने का मतलब है लीग ऑफ नेशंस, लीग असेंबली, इन 1924, राइट, विच इज कॉल्ड और इट वॉज कॉल्ड द प्रोटोकॉल फॉर द पैसिफिक सेटलमेंट, द प्रोटोकॉल फॉर द पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। ठीक है, जिसको हम लोग जेनेवा प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। मामला क्या है, मजबूत करने के लिए, किसको मजबूत करने के लिए, कलेक्टिव सिक्योरिटी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए। मैं बता देना चाहता हूं कि 1920 में जिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया था टू सिक्योर वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी, दैट इज लीग ऑफ नेशंस, जिसका बेसिक मकसद ही था टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो उस चीज को और ज्यादा मजबूत करने के लिए ये ग्रीस एंड चेकोस्लोवाकिया जैसी यूरोपियन कंट्रीज जो है उभर कर सामने आती है। और कहीं ना कहीं जब उसका फिफ्थ सेशन होता है जो कि 1920 में होता है, वहां पर एक डॉक्यूमेंट को सबमिट करती है,
और जिसको हम लोग कह सकते हैं द प्रोटोकॉल फॉर द पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, और एल्स वी कैन से जेनेवा प्रोटोकॉल, इट इज ऑल्सो नोन एज जेनेवा प्रोटोकॉल। आई गेस आपको मेरी बात समझ आ रही है। इन अदर वर्ड्स अगर कहा जा सकता है कि इट डिनाउंस्ड, कहीं ना कहीं खत्म करने की बात करिए, डिनाउंस्ड एनी काइंड ऑफ एग्रेसिव वॉर एज एन इंटरनेशनल क्राइम। यानी इनका कहने का सिंपल मतलब था कि कोई भी एग्रेसिव वॉर कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल क्राइम माना जाता है, तो इस चीज को नहीं करना है किसी भी तरीके से एट एनी कॉस्ट, राइट। तो इन बातों पर जेनेवा प्रोटोकॉल में जोर दिया गया था। तो अब बात करेंगे दोस्तों इसके प्रोविजंस के बारे में, ऐसे कौन से इसके प्रोविजंस थे। प्रोविजन नंबर वन, नो सिग्नेटरी मेंबर स्टेट वुड रिसॉर्ट टू वॉर अगेंस्ट एनी मेंबर स्टेट, against any member state। सबसे पहला जो होगा, जो इसमें साइन करने वाले जितने भी मेंबर स्टेट है वो किसी भी तरीके से कोई भी अग्रेशन नहीं दिखाएंगे और हर तरीके से वॉर के अगेंस्ट रहेंगे। मेंबर स्टेट जितने भी होंगे उनके साथ किसी भी टाइप का कोई आपस में भेद नहीं होना चाहिए। नंबर टू, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको हम लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जी हाँ दोस्तों, ये वही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जो लीग ऑफ नेशंस का वन ऑफ द ऑर्गन है, जिसको कंपोनेंट के नाम तरीके से हम लोग जान सकते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसकी जो हेडक्वार्टर है वो हेग में होती है, राइट। ये होता हमारा हेग में, वुड बी द सुप्रीम अथॉरिटी, would be the supreme authority of any international disputes, any international disputes, right? लॉ और कॉन्ट्रैक्ट, लॉ और कॉन्ट्रैक्ट। वन ऑफ द प्रोविजंस आफ्टर सिग्नेटरी मेंबर स्टेट को के बाद वो होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर होता है हेग में। ये तमाम मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होंगे उन तमाम चीजों में इसका सुप्रीम रोल होगा, और यही है जो अथॉरिटी रखती है कि किसी भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए या फिर जितने भी लॉ है, लॉ और इंटरनेशनल लॉ एंड जितने भी रूल्स है उन चीजों को मेंटेन रखना या उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये कहीं ना कहीं ICJ के ऊपर जो है छोड़ दी जाती है ये बात, राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ अहम प्रोविजंस ही मैं लिख रहा हूं, इसके अलावा और बहुत सारी लंबी चौड़ी एक लिस्ट है इन प्रोविजंस की। नंबर थ्री में बात करेंगे दोस्तों, द लीग काउंसिल वॉज एम्पावर्ड टू अडॉप्ट इकोनॉमिक एंड सोशल मेजर्स, द लीग काउंसिल वॉज एम्पावर्ड टू अडॉप्ट इकोनॉमिक
एंड सोशल मेजर्स अगेंस्ट द एग्रेसर स्टेट. या दोस्तों, ये कहीं ना कहीं लीग काउंसिल को एम्पावर करती है, उसको पावर देती है इस बारे में कि वो अडॉप्ट कर सके किसी भी इकोनॉमिक या सोशल मेजर्स को अगेंस्ट द एग्रेसर स्टेट. अगर कोई भी स्टेट अगर अग्रेशन दिखाएगा तो लीग के पास ये पावर है कि वो उसके खिलाफ इकोनॉमिकली या फिर सोशली कोई मेजर्स ले और उसके खिलाफ कार्रवाई करे. राइट. तो और भी इसके अलावा बहुत सारे प्रोविजंस थे जो कि कहीं ना कहीं ज्यादातर कंट्रीज को पसंद नहीं आई और उन्होंने अपनी रजामंदी नहीं दी, हां नहीं कहा इस चीज को लेकर. और इस तरीके से कहा, इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे दोस्तों. सो वी कैन से दैट दिस प्रोटोकॉल फॉर द फर्स्ट टाइम डिक्लेयर्ड ऑल टाइप्स ऑफ वॉर्स एज इलीगल. नो डाउट जेनेवा प्रोटोकॉल वॉज द फर्स्ट टाइम जहां पर जितनी भी टाइप के वॉर है उसको यू नो इंटरनेशनली इलीगल करार दिया जा रहा, बताया जा रहा है. और इसके लिमिटेशंस और फेलियर के बारे में बात करेंगे तो कुछ पॉइंट्स है, जैसा कि इट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द बिग स्टेट्स और पावर्स. जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया था कि जितने भी बड़े पावर्स है या फिर कंट्रीज यूरोपियन कंट्रीज है उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था. खास करके ब्रिटेन जो है वो वेहमेंटली अपोज करते नजर आती है इन प्रपोजल्स को या फिर इस प्रोटोकॉल को. और खास करके ये जो मामला था सेंडिंग ऑफ मिलिट्री हेल्प अगेंस्ट द अग्रेशन स्टेट वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाई ऑल द मेंबर स्टेट्स. यानी किसी भी अग्रेशर कंट्री के खिलाफ जो है वो मिलिटरली कार्रवाई की जाएगी इस तरीके से, ये बात किसी को पची नहीं, और जिसकी वजह से जेनेवा प्रोटोकॉल के प्रोविजंस या फिर जेनेवा प्रोटोकॉल जो है फेल होते नजर आती है. तो 1924 का जेनेवा प्रोटोकॉल से बेसिक रिलेटेड मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बताने की कोशिश की है. टिल देन, अगर आपको वीडियो पसंद आया है सो प्लीज़ like, subscribe and share. Thank you very much.